दोस्तों आज की कहानी है ऐसा बेटे बेटा होने से अच्छा है मैं तुझे पैदा ही नहीं करती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आदित्य के कमरे का दरवाजा अभी तक भी नहीं खुला था। सुबह के 9 बज रहे थे और मंजू जी कब से उसके उठने का इंतजार कर रही थी। कभी वह घड़ी को देखती तो कभी रसोई में ठंडे हो रहे नाश्ते को, फिर सोसा जाकर दरवाजा बजा देती हो। पर आदित्य का गुस्सा याद आते ही वह सिर उठी। बड़ी देर तक वैसे नौकर कमरे से रसोई तक शक्कर लगाती रही। उनके पति भावेश जी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। मंजू जी की हालत उनसे सूबी हुई नहीं थी। मुझे तो नाश्ता दे दो, अभी वो तो उठा नहीं होगा। रात को देर तक सड़कों पर जो घूमता है, मुझे तो ऑफिस जाना है, काम करना है, घर चलाना है और एक इनको देखो बस देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, खाने और कमाने की जरा भी फिक्र नहीं है। मंजू जी नाश्ता लगा देती हैं, तुम भी खा लो, बेकार इंतजार करने से क्या फ़ायदा, तुम्हें तो डायबिटीज है, अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो, बुढ़ापे में किसी से कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारा बेटा तो खुद अपनी जिंदगी की परवाह कर ले, वो ही बहुत है। मंजू जी नाश्ता करती हैं, भावेश जी उन्हें दवाई देते हैं और अपने खाने का डिब्बा लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। करीब 10 बजे आदित्य कमरे से बाहर आता है। मम्मी एक कप अदरक की शाही बना दो, सिर भारी हो रहा है और आपने मुझे जगाया नहीं, बेटा भूखा सो रहा है तो सो रहा है, माता पिता को जरा भी परवाह नहीं है, आप लोग तो नाश्ता कर लिए होंगे, अब मुझे भी दे दो, अपने ही घर में खाना पीना मांग कर खाना होता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मनवारी नहीं करता है, कहने भर को इकलौता बेटा हूँ। अपने 27 वर्षीय बेटे की बात सुनकर मंजू जी मन ही मन दुखी हो गई। माता पिता जब बूढ़े होने लगते हैं बच्चे उन पर सिलाना शुरू कर देते हैं, उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि इससे उनका मन कितना आत होता होगा। वह नाश्ता देकर सुबह शाम अखबार पढ़ने लग जाती हैं। तभी आदित्य फिर तेज आवाज में बोलता है, ये सब क्या है, ये नाश्ता मुझे नहीं खाना है, कुछ और अच्छा सा बना दो, मैं पागल हूँ जो अकेले दीवारों से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपको भी मुझसे बात करने में शर्म आती है क्या? हाँ मुझे अपने बेटे पर शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि मैं तेरी माँ हूँ, अब तो शर्मसार करना बंद कर दो, बहुत हो गया, तूने हमें किसी पड़ोसी किसी रिश्तेदार के आगे सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा, तूने तो हर जगह अपने माता पिता को शर्मसारी किया है, हमने तुझे किया इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, इतनी अच्छी पढ़ाई करके भी घर बैठा है, रात भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, ये तो मेरे संस्कार नहीं थे, खाने पीने की गलत आदतें अपना ली है, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा है, तेरे गलत कामों की वजह से पुलिस तक घर पर आ गई है, ऐसा बेटा होने से अच्छा है मैं तुझे पैदा ही नहीं करती, तूने तो मेरे प्यार दुलार ममता को शर्मसार किया है, अरे नौकरी नहीं मिलती तो क्या कोई इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर लेता है क्या?
तू कोई बिजनेस भी कर सकता है, अभी तो तेरे पास समय है। तेरे पापा कमा रहे हैं, घर चल रहा है, तुझ पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तू अपने काम को पूरा समय दे सकता है। अभी मेहनत कर, कमाई कम मिले तो भी कोई बात नहीं, कुछ तो कर। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर तू है कि बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और कोई भी माता पिता ऐसे बेटे को देखकर शर्मसार ही होंगे। मंजू जी बोले जा रही थी। आदित्य के हाथों में साय का कप यूं का यूं ही रखा रह गया। एक घूंट उसके हलक से नीचे नहीं उतरा। उसने साय का कप रखा, नाश्ता भी नहीं किया और वापस अपने कमरे में चला गया। मंजू जी को पता था कि वह अक्सर ऐसा ही करता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आदित्य तैयार होकर घर से निकल गया। दोपहर से शाम हो गई। रात को भावेश जी भी आ गए। दोनों पति पत्नी ने खाना भी खा लिया। जब उनके सोने का समय हुआ तब आदित्य आया। मंजू जी ने खाना रखा, उसने सुबह शाम से खाया और अपने कमरे में चला गया। सुबह दोनों ने सवाल किया कि तेरी कोई नौकरी लग गई है क्या, पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये रोज की ही दिनचर्या हो गई थी। आदित्य सुबह समय पर उठता, साय नाश्ता करके तैयार होकर बाहर चला जाता और रात तक घर वापस आता। अब जो भी बनता था वो आसानी से खा लेता था। भावेश जी और मंजू जी कुछ समझ नहीं पाए। एक महीने बाद आदित्य ने मंजू जी के हाथों में चेक लाकर रख दिया। मम्मी ये मेरी इस महीने की कमाई है, मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ट्यूशन क्लासेस खोली है। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है पर शुरुआत है, आगे जाकर हम और भी विषयों की ट्यूशन क्लासेस लेंगे, साथ ही मैं अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करता रहूँगा। मैं हर तरफ से नकार दिए जाने पर हार गया था, पर अब नहीं टूटूंगा, ना ही हार मानूंगा, ना ही आपको शर्मसार करूंगा। आदित्य की बातें सुनकर मंजू जी की आंखें भर आई और उन्होंने अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया।